तो नवरात्रि के पावन मौके पर देवी के अलग अलग रूपों की आस्था के साथ आराधना की जा रही है। बिलासपुर के नैना देवी में किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है, विजय भारद्वाज की एक खास रिपोर्ट। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई हवन कुंड होगा जहाँ पर इस तरह का आयोजन होता है कि जितने भी आहुतियाँ करते हैं, जितना मर्जी ऊंचा हो जाए वो धीरे धीरे करके बीच में समा जाता है। हालांकि इस हवन कुंड की गहराई एक फुट से ज़्यादा नहीं है, लेकिन सारा बीच में ही समा जाता है। आस्था तो बहुत है यहाँ से, कॉलोनी टोबे से डंडौत करते आते हैं माता के दरबार में इधर, और कई नंदपुर साहब से भी आते हैं, और कई इधर से अपने कृपाली कुंड इधर से भी डंडौत करते आते हैं। बहुत मानता है, बहुत मंदिर से जाया हुआ है, और बहुत श्रद्धालु लोग हैं जो वो लंगर लगाते हैं, उसमें व्रत वालों का विशेष प्रबंध होता है। जो नवदुर्गा है उनके सभी के पूजन इन 9 दिनों में किए जाते हैं, और अष्टमी तिथि का विशेष महत्व है क्योंकि अष्टमी जो है सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है, तो उस दिन जो है माँ की पूजा करने के तो उपरांत माँ को जो है हलवे का भोग चढ़ाने का महत्व है, और कन्या पूजन का विशेष महत्व उस दिन माना जाता है।